जल कांवर ढोते हैं। रामायण महाभारत का तो कीर्तन पाठ करवाते हैं, काम सम्मानित जीवन जीने का अधिकार देने वाले संविधान को नहीं पढ़ते, अपने गुलामी की बेड़ियों को खुद मजबूत करते हैं और फर्जी सीना फुलाकर घूमते हैं। सबसे अधिक दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा व कांवड़ ढोने का काम पिछड़े, अति दलित व आदिवासी ही करते हैं। यदि सरस्वती की पूजा से ज्ञान, लक्ष्मी की पूजा से धन, दुर्गा की पूजा से शक्ति, हनुमान की पूजा से बल व गणेश पूजा से धन, वैभव, ऐश्वर्य मिलता है तो सबसे विद्वान, धनवान, शक्तिवान, बलवान व ऐश्वर्यशाली शूद्र, अति दलित, पिछड़े व आदिवासी होते। पर ये सबसे दुखी, गंवार, अशिक्षित, गरीब, बदहाल ये ही है। अंधविश्वास त्यागो, शिक्षा को गले लगाओ। शूद्र, ओबीसी, एससी, एसटी, इनकी हिंदू धर्म में क्या हैसियत है? नंबर एक, गीता के चौथे अध्याय के 13वें पद में लिखा है, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र जो विभाजन है, वह मेरे द्वारा ही रचा गया है। फिर भगवत गीता में लिखा गया है 9वें अध्याय के 32वें पद में, मेरी शरण में आकर स्त्री, वैश्य, शूद्र भी जिनकी उत्पत्ति पाप योनि से हुई है, परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। महाभारत में लिखा है, शूद्र का प्रमुख कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना है। महाभारत ये भी लिखता है कि शूद्रों को संचित धन से स्वामी की रक्षा करनी चाहिए। रामायण में लिखा है, शूद्र तपस्या करे तो राज्य निर्धनता में डूब जाएगा। रामचरितमानस में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। रामचरितमानस में ही, पूजिय विप्र सिल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। आपस्तम धर्म सूत्र में लिखा है, वह शूद्र जो ब्राह्मण के चरणों का धोवन पीता है, राजा उससे कर टैक्स ना ले। कथक संहिता में लिखा है कि जिस गाय का दूध अग्निहोत्र के काम आवे, शूद्र उसे ना छुए। इतरे ब्राह्मण सूत्र में लिखा है कि शूद्र केवल दूसरों का सेवक है, इसके अतिरिक्त उसका कोई अधिकार नहीं है। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण शूद्र को शिक्षा दे तो उस ब्राह्मण को चंडाल की भांति त्याग देना चाहिए। गौतम धर्म सूत्र में लिखा है कि यदि कोई शूद्र वेद सुन ले तो पिघला हुआ शीशा लाख उसके कान में डाल देना चाहिए। यदि वो वेद का उच्चारण करे तो जीभ कटवा देना चाहिए। वेद स्मरण करे तो मरवा देना चाहिए। विष्णु स्मृति में लिखा है कि देव यज्ञ व श्राद्ध में शूद्र को बुलाने का दंड 100 पर्ण। आपस्तम धर्म सूत्र में कहा गया है कि ब्राह्मण कान तक उठाकर प्रणाम करे, क्षत्रिय वक्षस्थल तक, वैश्य कमर तक व शूद्र हाथ जोड़कर एवं झुककर प्रणाम करे। तैत्तरीय ब्राह्मण सूत्र में लिखा है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति देवता से, शूद्रों की उत्पत्ति राक्षस से हुई है। गौतम धर्म सूत्र में लिखा है, यदि शूद्र जप तप होम करें तो राजा द्वारा दंडनीय है। शतपथ ब्राह्मण सूत्र में लिखा है कि यज्ञ करते समय शूद्र से बात नहीं करनी चाहिए। विष्णु पुराण लिखता है कि जो शूद्र अपने प्राण, धन तथा अपनी स्त्री को ब्राह्मण के लिए अर्पित कर दे, उस शूद्र का भोजन ग्राह्य है। महाभारत के अनुसार शूद्र राजा नहीं बन सकता। गीता के अनुसार शूद्र को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की गुलामी करनी चाहिए। रामायण के अनुसार शूद्र को ज्ञान प्राप्त करने पर मृत्यु दंड मिलना चाहिए। वेद कहते हैं, शूद्र ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुआ है, इसलिए वो नीच है। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र का कमाया धन ब्राह्मण को बलात् छीन लेना चाहिए। वेद कहते हैं, शूद्र का स्थान ऊपर के तीनों वर्णों के चरणों में है। पुराण कहते हैं, शूद्र केवल गुलामी के लिए जन्म लेते हैं। रामचरितमानस के अनुसार शूद्र को पीटना धर्म है, फिर भी एक सहनशील शूद्र अब भी इन हिंसक धर्म ग्रंथों और इन देवी देवताओं को सीने से लगाए फिरता है। जय विज्ञान, जय संविधान।